आधी रात के बाद यहाँ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आपको बताएं, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी टूट गई है। एमजीपी के दो विधायकों ने गोवा विधानसभा के स्पीकर को पत्र सौंप कर कहा कि उन्होंने पार्टी का बीजेपी में विलय का फैसला किया है। एमजीपी के कुल तीन विधायक हैं और इनमें से दो ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया है। 36 सदस्यों वाले सदन में बीजेपी के पास अब 14 विधायक हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से गोवा में जो संकट, राजनीतिक संकट में उहापोह की स्थिति थी, वो लगभग अब साफ होती जाएगी, क्योंकि दल बदल की जो राजनीति थी वो भी अब साफ होती जा रही है। तो कम से कम आंकड़ा आगे चल के हम देख पाएंगे कितना किस पार्टी के पास होगा। मनोहर अजगांवकर और दीपक पवास्कर ने मंगलवार देर रात 1:45 पर स्पीकर माइकल लोबो को विलय का पत्र सौंपा। हालांकि पार्टी के तीसरे विधायक सुदिन धावलेकर ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दें, धावलेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत कम से कम दो तिहाई विधायक अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तभी उन्हें एक अलग दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। कारण है कि एमजीपी जो बहुजन समाज की पार्टी बोल रहे थे, लेकिन ये जो ढोलीकर दोनों आदमी खाली चला रहे हैं और किसी को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नेशनल पार्टी के साथ जाने का और गोवा का डेवलपमेंट और मेरे कॉन्फिडेंस का होता है उतना डेवलपमेंट करने के लिए आगे बढ़ने का। आज रात में जो पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो गए, दो एमजीपी के एमएलए जो हैं वो उनकी पॉलिटिकल लेजिस्लेचर विंग में स्प्लिट होने के बाद दे हैव ज्वाइन टू द बीजेपी, दे हैव मर्ज देयर पार्टी इन लेजिस्लेचर विंग पार्टी इनटू द बीजेपी पार्टी एंड ऑटोमेटिकली अवर स्ट्रेंथ हैज ग्रोन टू द 14। ओके, सो द मिस्टर बाबू अजगावकर एंड दीपक पावस्कर दे हैव ज्वाइन टू द बीजेपी पार्टी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।